महाराष्ट्र का सियासी संग्राम अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। एकनाथ शिंदे गुट की अर्जी पर आज सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई होगी और इस याचिका में मांग की गई है कि 16 बागी विधायकों के खिलाफ डिप्टी स्पीकर की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। शिवसेना के बागी और उद्धव ठाकरे के बीच शुरू हुई सियासी जंग अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। गुवाहाटी में जमी बागियों की जमात की अर्जी पर आज सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई होगी। ये अर्जी डिप्टी स्पीकर के नोटिस के खिलाफ है। बागियों पर होने वाली कार्रवाई से पहले की तैयारी है, जिसमें मांग की गई है कि महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोका जाए। इसके अलावा अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल का नेता बनाने की कार्यवाही को भी शिंदे गुट की तरफ से गैर कानूनी बताया गया है। यही नहीं, अर्जी में कहा गया है कि उद्धव सरकार अल्पमत में है और उसकी तरफ से सुनील प्रभु को चीफ व्हिप बनाना भी अवैध है। दरअसल उद्धव गुट ने डिप्टी स्पीकर से 16 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए शनिवार को डिप्टी स्पीकर ने उन विधायकों को नोटिस भेजा था और इस मामले पर जवाब देने के लिए आज विधानसभा में हाजिर होने को कहा था, जिसके खिलाफ शिंदे गुट ने अदालत का रुख कर दिया। हम लोगों ने 16 पिटीशंस फाइल की हुई हैं, उसमें स्पीकर साहब ने नोटिसेस इशू किए हैं। ये जो 30 या 40 जो भी गए हुए हैं, अभी तक इनका कोई पार्टी में मर्जर नहीं हुआ है, तो इसीलिए तो आज के हालत में ये डिस्क्वालिफिकेशन से नहीं बच सकते। इसके साथ ही शिवसेना के 39 विधायकों के समर्थन के साथ शिंदे ने अपने गुट को असली शिवसेना बताया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में शिंदे के अलावा बागी विधायक भरत गोगावले ने भी याचिका दाखिल की है, जिस पर आज 12:30 बजे सुनवाई होगी। शहर अंग्रेजी लगे हैं। वो बहुत दूर है। आपको पता होगा हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।